गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. वी विल हैव टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज. परसों चाइनीज डेलीगेट्स के साथ मीटिंग में उन्होंने जो हमें बस इंटीरियर्स और मॉडल्स दिखाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सावित्री के होते हुए कैसे पसंद आएगी? इसलिए बेटर डील के लिए मैं दुबई जाने वाला हूँ. बस टेक वर्ल्ड वाइड के साथ वहाँ ग्रैंड मीटिंग है. अपने साथ में 3 लोगों को ले जाने वाला हूँ और उनमें से एक है मेरी पर्सनल मैनेजर सावित्री. लगता है हमारा प्लान काम कर गया. दुबई में अब तुझे बहुत सरप्राइज मिलेंगे. सर, उस दुबई वाली कंपनी का ब्रांच ऑफिस तो जुबली हिल्स में ही है. जब वहाँ जाकर काम हो जाएगा तो दुबई क्यों जाएंगे सर? क्यों, तुम्हें दुबई आना पसंद नहीं है? सर, इस तरह की मीटिंग दुबई में ही होनी चाहिए. नंबर 3, रेड एप्पल. सर, थैंक यू सो मच सर. लाइफ में फ्लाइट का सपना देखने वाले को आप फ्लाइट में दुबई लेकर जा रहे हैं सर. आप बॉस नहीं, आप खुदा हैं सर, खुदा हैं. कंट्रोल योर इमोशंस, रेड एप्पल. सर, सावित्री, तुम हम सबके पासपोर्ट्स ट्रैवल एजेंसी को दे दो तो वो वीजा अप्लाई करेंगे. सर, अरे मुझे इतना मत चढ़ाओ, समझ में आ गया. बहुत बहुत बधाई रेड एप्पल. इस चांस को मत छोड़ना. हेलो सर, सब कुछ पैक कर लिया ना? अच्छा रेड एप्पल, अपने कृपा जी कहाँ हैं? कृपा जी आने वाले होंगे. अरे दामा जी, आपको पसंद है इसलिए पराठे लेकर आई हूँ. आप अचार के बिना नहीं खा सकते ना, तो वो भी रखा है. सुनिए, वहाँ उतरते हैं स्वेटर पहन लेना, वहाँ बहुत ठंड होती है, वरना आपको सर्दी लग जाएगी. बाय. वो नमस्ते सर. क्यों कृपा जी, इतने लोगों को लेकर क्यों आ गए? नई पार्टी बना रहे हो क्या? नहीं सर, हमारे परिवार में फर्स्ट फ्लाइट में बैठने वाला फर्स्ट जनरेशन मैं ही हूँ ना. अच्छा. सर, इसी एक्साइटमेंट में ये सब मुझे सेंड ऑफ देने आ गए. हमें सेंड ऑफ देने के लिए तुम ही काफी हो, इन सबको क्यों ले आए हो? तो क्या हम नहीं जा रहे हैं सर? तुम्हें पता नहीं, वीजा ऑफिसर को तुम दोनों का चेहरा पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया. सडन रिजेक्शन से मेरे लोगों का रिएक्शन कुछ अलग रहेगा ना सर. ए दामाजी, टाइम हो रहा है, जल्दी जाओ. सर 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 सर, इतने दिनों तक इन्होंने मुझे ट्रंप की तरह रेस्पेक्ट दिए सर. अब अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो ये लोग मुझे ट्रंप कार्ड की तरह यूज कर लेंगे सर, जोकर बन जाऊंगा. अब हम कुछ नहीं कर सकते कृपा जी. सर बस आप हाँ कर दीजिए, हम दोनों वही किसी बाथरूम के कोने में बैठ कर चले जाएंगे. बाथरूम में बैठ कर आ जाओ सर. अरे हम लोग ट्रेन से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं. सर सर दामाजी. चलो भाई. हेलो. वेलकम सर. थैंक यू. चलिए कमरे में चलते हैं. हाँ, आपके रूम में मैं किस लिए? ओ, तो आपके कमरे में मैं आ जाता हूँ. मेरे रूम में आप किस लिए? मतलब दोनों रूम्स ऊपर के फ्लोर में ही है ना, तो दो बार लिफ्ट से चढ़ना उतरना अच्छा नहीं लगेगा ना. इसका मतलब तुमने एक नहीं दो रूम लिए हैं. तो क्या मैं लिफ्ट में ही सो जाऊं? ए नो, ये लोग गलत सोचेंगे. चलिए ऊपर चलते. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट इन आवर होटल मैम? फर्स्ट नाइट, व्हाट डू यू मीन? यस्टरडे यू चेक्ड इन मैम, दैट्स व्हाई. कल रात आपके होटल में रुके थे, इसलिए आपके होटल में स्टे फर्स्ट नाइट के बारे में पूछ रहे हैं ना? यस मैम, हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट? इट वाज रियली गुड. सावित्री, तुम ऐसे चुप चुप क्यों? कल रात मेरी फर्स्ट नाइट हो गई. फर्स्ट नाइट हो गई? अरे एक बार मुझे बुला तो लेती. नहीं नहीं, वो फर्स्ट नाइट नहीं, कल ही तो हम दुबई आए थे ना. ओ, वो वाली फर्स्ट नाइट. बाल बाल बच गए. नमस्ते. अंकल बिजो मकाओ. ऑलरेडी खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया. नो नो बिजो मकाओ. ये खाओ खाओ क्यों कर रहा है? हमारा पेट भरा हुआ है, खा लिया हमने. वो कह रहा है मीटिंग कैंसिल हो गई है. हैंको में खाओ. बॉस बाल की फर्स्ट नाइट, नो कम टुडे. इन्होंने क्या कहा? उनके बॉस आज रात में आएंगे. तो अब हम डे टाइम में क्या करेंगे? क्या करेंगे, होटल चलेंगे. वैसे भी मैं रात भर सोई नहीं हूँ, थोड़ा आराम करूँगी. हाँ सही है, वैसे भी फर्स्ट नाइट में नींद कहाँ से आएगी. What? मैं कहना चाह रहा था दुबई में कल ही रात आपकी फर्स्ट नाइट थी ना, हम कल ही तो आए थे. क्या हुआ, ऊपर उठाने का इरादा नहीं है?
ऐसा नहीं है, कमर अकड़ गई है। वन मिनट। अब अब ठीक है। उस कॉफी शॉप में कॉफी पीते हैं। हाँ चलिए चलिए, आइए ना बैठिए। शायद यहाँ अच्छा खाना भी मिलता है, रोड पर होने के बावजूद खा रहे हैं। हेलो सुपरराव स्पीकिंग। एक कहाँ है? अभी आया। ओके ओके सर सर सर, ठीक है ठीक है। सुपरराव जी, सर सुपरराव जी। क्या है? अगर आप बुरा ना माने तो। ना मानू तो? आप थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए ना। चीची मैं इस टाइप का नहीं हूँ। चीची मैं भी वैसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर पास क्यों बुला रहे हो? पास आए बगैर सेल्फी कैसे ले सकते हैं? ओह सेल्फी, ओके ओके। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तो हम लोग साथ में मिलकर निकालेंगे। आइए आइए। थैंक यू, वेलकम। कौन था वो? पता नहीं मुझे। फिर उसके साथ सेल्फी क्यों निकाली? उनका नाम सुब्बाराव था ना। मतलब? मेरे पापा का नाम भी सुब्बाराव है। उस नाम के जिस भी इंसान को देखता हूँ तब हमेशा मुझे उन्हीं की याद आती है। ऐसा लगता है अगर वो होते तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। सॉरी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। आपको कैसे पता? आप ही ने तो एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ लिखी थी ना, बायोडेटा में। थैंक यू सो मच। ये सब याद रखा तुमने? यस एग्जैक्टली 23 रोजेस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू 23 रोजेस, 23 नंबर केक। अब इसे काटने के लिए 23 नाइफ्स भी देंगे। नो, आप ही 23 पीसेस कट कीजिए। लाइट इट। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर फर्स्ट नाइट इन आवर होटल मैम? आज मेरी सेकेंड नाइट थी। नो मैम, कल ही तो आप हमारे होटल में आई थी ना मैम। कल मेरी फर्स्ट नाइट थी, आज सेकेंड नाइट है। नो मैम, एज पर आवर रिकॉर्ड्स कल रात ही आपकी फर्स्ट नाइट थी। हाउ वाज इट मैम? क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? कल हमारी सेकेंड नाइट थी ना, हम लोग परसों आए थे ना। अरे चिल्लाइए मत, उसने सुन लिया तो 2 दिन का बिल देगा। अब तुम ही बताओ ना। सच बात तो ये है कि हम कल ही आए हैं। अरे मीटिंग का वक्त हो रहा है, चलो जल्दी। यही है ना? नमस्ते। नमस्ते बॉस। बर्ल की फर्स्ट नाइट, नॉट कमिंग टुडे। हाइको बिकॉज की फर्स्ट नाइट। आइए कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। आइए। कुछ कंफ्यूजिंग है, क्या हो रहा है ये? अरे वाह, इन्होंने रोड पे भी फूड कोर्ट लगा दिया है। हेलो सुब्बाराव स्पीकिंग। कहाँ हो तुम? एक मिनट आया। ओके ओके। हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर तो हम लोग साथ में मिलकर निकालेंगे। आइए आइए। कौन था वो? पता नहीं कौन था। ना जानते हुए भी सेल्फी क्यों ली, मुझे पता है। क्यों ली मैंने सेल्फी? क्योंकि उसका नाम भी सुब्बाराव है और आपके पिताजी का नाम भी सुब्बाराव है। हाँ? है ना? आप साधारण नहीं है, मेरे भविष्य के बारे में बहुत डिस्कवरी कर रही है। ओफो, यहाँ डिस्कवरी इन्वेंशन कुछ भी नहीं है, कल ही तो हम यहाँ आए थे। हम कल यहाँ कैसे आ सकते हैं, कल रात में ही तो हम दुबई आए थे ना। परसों रात में आए थे। हे, क्या हो गया आपको? यहाँ हॉस्पिटल्स भी है बड़े बड़े, अपॉइंटमेंट लेने से सेट हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। कल ही तो आप सब लोगों ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना। आप इमेजिनेशन कर रही हैं। चलिए केक काटते हैं। कम ऑन गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सावित्री, हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री। गुड मॉर्निंग मैम। हाय, यस्टरडे आई हैड फैंटास्टिक फर्स्ट नाइट, अमेजिंग इट वाज। बॉस बल की फर्स्ट नाइट, सो ही इज नॉट कमिंग टुडे। आइको। आई नो। नमस्ते। थैंक यू। सेम टू सेम। नॉट अगेन। ओके,
मुझे सब कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो चलकर कॉफी पीते हैं, आओ। थैंक यू सुब्बा राव जी। ओके। आपके पिताजी का नाम भी सुब्बा राव है ना, इसीलिए आपने उसके साथ सेल्फी ली। हे भगवान, अगर किसी को पता चल गया कि आप फ्यूचर देखती हैं, तो सब आपकी पूजा करने लगेंगे। दिस इज माई थर्ड डे, आई केम हियर डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे वॉज माई सेकेंड डे एंड टूडे इज माई थर्ड डे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, नोबडी कैन मेक मी फूल अगेन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Savitri. Happy birthday to you. Give it to everyone. Thank you so much. My happy birthday, first night in Dubai. Wow. 23 number cake, 23 flower. What? यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको हंसी आ रही है। सरप्राइज पसंद आया? सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? आप ही ने तो कहा था कि कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है तो उसे आपको सरप्राइज देना होगा। हाँ? कहा था? साल में जो बर्थडे एक बार सेलिब्रेट करते हैं वो आपने 3 बार सेलिब्रेट किया है, कुछ समझ में आया? मतलब ये सब मैंने ही प्लान किया था। सच में यहाँ कोई मीटिंग नहीं है, ऐसे ही आप नहीं मानती इसलिए झूठ बोलकर लाना पड़ा आपको यहाँ। और वो चाइना वाला? वो भी मैंने ही सेट किया था। और सुब्बा राव? पहले दिन तो खुद आया था, बाकी 2 दिन बहुत मुश्किल से उसे सेट करना पड़ा, बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। पर ये सब तुमने क्यों किया राम बाबू? तुम्हारा सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन जन्मदिन होना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। उसे तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट मेमोरी बनाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैं कम से कम तुम्हारी यादों में रहना चाहता हूं, इसलिए ऐसा किया। अब अगर ये सब छोड़कर अगर सिंपली ये बात कहूं तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, इसलिए ऐसा किया। मुझ में ऐसा क्या है राम बाबू जो मुझसे इतना प्यार करते हो? मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी। 4 दिन? 4 दिन यहां रहकर क्या करेंगे? कुछ नहीं जी, और थोड़ी सरप्राइज बांध कर चलने के लिए, और 4 सरप्राइजेस अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ जी। हमारी शादी के बाद हर दिन एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है? लेकिन शादी हमारे गांव में ही होनी चाहिए। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? चागुनी पवन है। मैंने तो तुम्हारे गांव का नाम पूछा था, तुम चाइना के किसी गाँव का नाम क्यों बोल रही हो? हमारे गाँव का नाम है, चारों तरफ सुंदर खेत, बीच में हमारा गाँव, वहाँ एक सुंदर घर, वहाँ मेरे पापा, माँ, दीदी, चीजू, गुलाब सब लोग रहते हैं। सब लोग बहुत प्यार से रहते हैं। एक इंसान को खुशी से जीने के लिए जो चाहिए ना, वो सब कुछ है। जॉब में इंटरेस्ट होने की वजह से हैदराबाद आई थी, नहीं तो मैं अपने पापा के पास ही रह जाती। पता है, तुम अपने पापा से इतना प्यार करती हो? मेरे पापा मेरी जान है, उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे लाइफ लॉन्ग चाहिए। पापा ने शादी से मना किया तो? मुश्किल है, फिर भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। हाँ? क्या हुआ राम बाबू, बात करो। सोच रहा हूँ ये पापा लोग पैदा क्यों होते हैं, प्यार करने के लिए पैदा होते हैं या प्रेम विवाह रोकने के लिए पैदा होते हैं? ये क्या राम बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने पापा को अपने से दूर कभी नहीं कर सकती, लाइफ में उनसे दूर होने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। मेरे पापा मेरे सब कुछ हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, फिर मैं उनको दुख कैसे दे सकती हूँ, बोलो। तुम्हें चलती हुई बस पकड़ना आता है? नहीं, क्यों? अभी हमें अर्जेंटली एयरपोर्ट जाकर रनवे पर एयर बस कैच करनी है और जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे गांव में लैंड करना है। चलो तुम्हारे चाइना वाले गाँव में।